आधार कार्ड लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन के तहत शासन ने एक नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि नवजात के रिकॉर्ड और आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए अब अस्पतालों में जन्म के कुछ मिनटों बाद हेल्थ कर्मी वार्ड में पहुंचकर अपने टैबलेट के कैमरे से एक क्लिक कर आधार कार्ड बना देंगे। यह सुविधा जिला अस्पताल CSC PSC पर शुरू हो चुकी है, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि नवजात शिशु के जन्म के 21 दिन के बाद जन्म प्रमाण पत्र देना होता है और उस जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का आधार नंबर से अंगूठा लगा करके नन्ही सी जान की पहली पहचान एक योजना होती है। इस योजना में सरकार द्वारा ट्रेनिंग के बाद हेल्थ कर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आधार बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू होने से प्रसव के लिए लोगों का रुझान सरकारी अस्पताल की ओर बढ़ेगा। प्रसव के बाद कर्मचारी खुद वार्ड में आकर नवजात के आधार कार्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 1000 नवजात शिशु का आधार कार्ड बन चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए अभी तक हम लोग जो है केवल बच्चों का जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे और अभी हाल ही में सरकार ने हमारे यहाँ के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है, उनका जो है आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन बन रहा है और इसमें जब नवजात शिशु पैदा होता है तो जब वो 21 दिन के अंदर उसे जन्म प्रमाण पत्र देना होता है और उस जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का आधार नंबर लेकर के उनका अंगूठा लगवा करके उनकी पहचान नन्ही सी जान की पहली पहचान एक योजना शुरू की है और इसी योजना के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान समय में हमारे जितने भी राजकीय चिकित्सालय जहाँ पर बर्थ हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है, चाहे जिला चिकित्सालय हो, पुलिस चिकित्सालय और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या FRUs हैं, वहाँ पर किया जा रहा है। उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ पर जन्म होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पर भी कार्य शुरू कराया जा रहा है। सर अभी तक कितने बच्चों का आधार कार्ड बना और अभी तक जहाँ तक कि आधार लिंक कार्ड जो है लगभग 1000 बच्चों का हम बना चुके हैं।